हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज जो कि आपका है 1999 से लेके 2017 तक। एक्चुअल में जो इसमें नंबर सीरीज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके 1999 से लेके 2017 तक जितने पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, उसका निचोड़ पूरे पूरे प्रश्न जितने आपसे पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ हम 40 से लेके 50 टाइप करेंगे ऐसे, जो आपके पूरे के पूरे नंबर सीरीज को कवर कर देंगे। ये 40 से 50 टाइप, यदि आप इन 40 से 50 के जो है टाइप मैं आपको बताऊंगा इनकी ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप जो है नंबर सीरीज के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं सभी पर कमांड आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, चाहे आपसे वो प्रश्न कभी भी पूछ ले। तो ये जो 40 से 50 टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि पहला जो सीरीज आपकी 3, 7, 23, 95, ठीक है, पहला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और ये 6 प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए इस पहले प्रश्न को देखते हैं हम, आई होप आपने सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को देखते हैं, 3, 7, 23, 95 अगला नंबर क्या आएगा। देखिए बहुत ही आसान सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर उसने क्या क्या हुआ है ये इसको यदि आप ध्यान से देखें, ये आपका नंबर है 3, फिर है 7, फिर 23, 95, यानी कि इसने जो इसमें मेथड लगा रखा है वो ये है, उसने क्या किया, पहले जो 3 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो 7 था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 प्लस कर दिया, और जो नेक्स्ट है आपका 23 उसको उसने 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 95 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 475 प्लस 4 479, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 479। टाइप 1 ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 259, 1937, तो इसमें आप बताइए क्या आएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आपकी सीरीज बढ़ी फिर घटी, ठीक है, फिर बढ़ी और फिर, इस टाइप की सीरीज में क्या होता है कि पहले आपका जो नंबर आपने देखा यहां पर आकर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब इसमें एक ऐसा ऑपरेशन जरूर है कि जिसमें जो है माइनस तो होगा ही होगा, ठीक है, माइनस का ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा। इस टाइप से आपको टाइप पकड़नी है, तो कैसे करेंगे इसको, इसको हम करेंगे, 2 से 5 बन गया तो मैं इसको लिखूंगा कि 2 × 2 + 1 आपका क्या बन गया, 5, ठीक है, और 5 × 2 - 1 इस आपका क्या बन गया, 9, 9 × 2 + 1 आपका क्या बन गया, 19, ठीक है, और 19 × 2 - 1 आपका क्या बन गया, 37, तो आपका आंसर अगला क्या होगा, 37 × 2 + 1 = 75, तो ये आपका सेकंड प्रश्न का आंसर होगा। तो आई होप आपने दोनों नोट कर लिए होंगे, चलिए नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्या है देखिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल है, यदि आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, नंबर यहां पे 8 है, 15 है, 24 है, ठीक है। देखिए 8 आपका किसी नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, 15 आपका किसी नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, 24 आपका किसी नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, तो देखिए यदि इसमें मैं एक जोड़ देता हूं तो 25 बन जाएगा, इसमें एक जोड़ देता हूं 16 बन जाएगा, इसमें 9 बन जाएगा, तो इसने क्या कर रखा है, सिंपल सा है, जीरो कैसे आया होगा, यदि मैं एक का स्क्वायर कर देता हूं और इसमें से एक माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, जीरो। दो का यदि मैं स्क्वायर कर देता हूं और इसमें से एक माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह आगे देखिए, 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूं इसमें से एक माइनस कर देता हूं तो 8 आ जाएगा, 4 का मैं स्क्वायर करता हूं इसमें से एक माइनस कर देता हूं तो 15 आ जाएगा, और 5 का मैं स्क्वायर करता हूं उसमें से एक माइनस कर देता हूं तो 24 आ जाएगा।
ये हो गया आपके थर्ड प्रश्न का आंसर। तो आई होप आपने ये भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैंने मूव करते हैं हम हमारे फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप हमारा कैसे होगा बताइए। देखिए ये सिंपल है, फोर्थ टाइप भी आपका बिल्कुल सिंपल है। यदि नंबरों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो सेकंड नंबर है ठीक है वो पहले वाले नंबर के डबल के आसपास है। ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर भी जो इससे पहले नंबर है इसके डबल के आसपास है, और जो ये 94 है इससे पहले जो नंबर है उसके डबल के आसपास है। तो सिंपल सा है ऑपरेशन, हमें पता चल गया कि हम क्या करेंगे, 10 गुना डबल पहले करेंगे तो क्या जोड़ेंगे 22 आ जाए, 2 जोड़ दिया हमने 22 आ गया ठीक है। इसी तरह हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 46। तो इसी तरह हम 94 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 190। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, एक दो दो चार आठ कैसे होगा बताइए। ये है आपका अल्टरनेट ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, एक दो दो चार आठ। सबसे पहले अब इसमें अल्टरनेट देखिए लगाकर, दो चार, और यहां पे जो नंबर आपको बताना है क्या आएगा ठीक है। तो इसने पहले इसको इससे किससे मल्टीप्लाई किया होगा, दो से, और फिर इस दो को इसने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि आठ आ जाए आपका, चार से ठीक है। सिमिलरली यही अल्टरनेट पेयर ऊपर लगा के देखेंगे, इस दो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार आ जाए, दो से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपरेशन सेम हो गया, बच गया क्या, चार। अब यहां पे क्या है, चार, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां भी हम चार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे आपका नंबर क्या आएगा, चार गुना चार 16। यहां पे आपका नंबर क्या आएगा, चार गुना चार 16। तो आई होप ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है कि 3, 10, 20, 33, 49, 68 कैसे होगा भाई, ये प्रश्न बताइए जल्दी जल्दी से बताइए कैसे होगा। देखिए इसने क्या कर रखा है कि पहले आपका 3, 10 ठीक है, 20, 33। इसने क्या किया, यदि मैं इसमें सबसे पहले 7 जोड़ता हूं तो आपका क्या बनेगा, 3 में मैं 7 जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, 10। इस 10 से 20 कैसे बना होगा, इसमें यदि मैं 10 जोड़ता हूं, 20 से 33 कैसे बना होगा, 20 में यदि मैं 13 जोड़ता हूं, 33 से 49 कैसे बना होगा, उसमें यदि मैं 16 प्लस कर देता हूं, 49 से आपका 968 कैसे बना होगा, उसमें मैं 19 प्लस कर देता हूं। यदि आप इसमें ध्यान से देखें सभी का डिफरेंस क्या है, 3, सभी का डिफरेंस क्या है, 3। जो इन सीरीज के बीच का डिफरेंस है, जो नंबर आया है उनका भी डिफरेंस क्या है, 3, 3, 3। तो अगला नंबर क्या होगा आपका, 19 और 3 22, 22 प्लस 68 कितना होगा, 90। तो यहां पे आपका क्या आएगा आंसर, 90 ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन प्रश्न को देखिए आप, सेवन प्रश्न कैसे होगा। हाँ जी, सेवन प्रश्न देखिए आप कैसे होगा। देखिए एक प्रश्न हमने देखा था, ये फोर्थ प्रश्न हमने देखा था कि ये जो नंबर है पहले वाले का डबल के आसपास है, ये इससे अगला जो नंबर है इससे पहले जो सीरीज में नंबर उसके डबल के आसपास है, इसमें उल्टा है। इसमें देखिए ये 100 है, इससे अगला नंबर क्या है, 52। 52 कहीं ना कहीं 100 का जो हाफ है उसके आसपास है। सिमिलरली 58 है जो 52 का जो हाफ है उसके आसपास है ठीक है। तो सिमिलरली इसमें जो आपका ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, इसमें कैसे होगा,
100 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसमें सॉरी 2 से डिवाइड कर देता हूँ और उसमें 2 प्लस कर देता हूँ तो आपका क्या आएगा 52। 52 को मैं 2 से डिवाइड करके उसमें 2 प्लस कर देता हूँ तो कितना आएगा 28। सिमिलरली 16 को मैं 2 से डिवाइड करके उसमें 2 प्लस कर देता हूँ तो आपका कितना आएगा 10। तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करके उसमें 2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 7। तो 7 जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया 7। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 8। देखिए ये 8th क्वेश्चन देखिए आपका 48, 24, 96, 48, 192 पहले यानी कि घट रहा है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि पहले या तो ऑपरेशन लगाया होगा डिवाइड करने का या फिर माइनस करने का क्योंकि तभी जो आपका है नंबर घटता है। ठीक है आपने इसको ध्यान से देखा तो आपने पाया कि 48 से 24 हो गया तो इसका मतलब क्या है इसमें से या तो 24 घटाया होगा या फिर इसको 2 से डिवाइड किया होगा। ठीक है तो इसको मैं 48 को 2 से डिवाइड करता हूं डायरेक्ट तो आपका क्या आएगा 24। अब जो अगला 24 नंबर आया आपका उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 96 आ रहा है। फिर मैं 96 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं मेरे पास 48 आ रहा है। 48 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 192 आ रहा है। अब मैं इसका क्या कर दूंगा हाफ कर दूंगा तो 192 को जो आपका नंबर आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई किया ना हाँ उसको अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है 2 में 18, 2 6 12। ठीक है पहले हम क्या करेंगे भाग फिर गुणा फिर भाग फिर गुणा फिर भाग। ठीक है तो यहां पे आपका आंसर क्या आ गया 96। यहां पे आपका आंसर क्या आ गया 96। ठीक है नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन 5, 2, 7, 9, 16, 25 जल्दी से बताइए कैसे आया होगा। बिल्कुल सिंपल है ये भी यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए यदि मैं ये वाला पेयर लेता हूं 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 तो मैंने यहां पे लिख दिया। यदि मैं ये वाला पेयर लेता हूं 7 और 9, 16 होता है तो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है ये वाला यदि मैं पेयर लेता हूं 16 और 9 कितना होता है 25 मैंने यहां पे लिख दिया तो फिर अब मेरे को कौन सा पेयर लेना पड़ेगा 16 और 25 वाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 41। तो 9 जो क्वेश्चन है आपका आंसर इसका आंसर आपका क्या है 41। ये नोट कर लीजिए आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए 10th क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन मेरा फेवरेट है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 10th नंबर क्योंकि 10th नंबर इसलिए क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है बड़ा बड़ा ही आउट ऑफ माइंड सोल्यूशन है आउट ऑफ माइंड से याद आया जो मैंने आपको मिसिंग नंबर के 10 टाइप्स करवाए हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा खासकर CHSL के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ बिल्कुल अजीब सोल्यूशन है कैसे इसने क्या कर रखा है आपने तो देखा होगा कि पहले नंबर इंक्रीज हो रहा है कि इसमें कुछ प्लस कर रखा होगा और हम प्लस करने में लगे रहते हैं लेकिन इसे ऐसा नहीं कर रखा इसने क्या कर रखा है देखिए बीच का नंबर क्या है 11 इसका क्या है 13 इसका क्या है 15 और इसका क्या है 17 तो 17 के बाद क्या आएगा बीच में नंबर 19। अब इसका ये वाला नंबर देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट 4 इसका क्या है 5 इसका क्या है 6 इसका क्या है 7 तो इसका क्या होगा 8। सिमिलरली इसका क्या है 7, 8, 9, 10 होना चाहिए था उसने यूनिट डिजिट लिख दिया 0। अगला नंबर क्या होगा 11 तो उसका हम यूनिट डिजिट लिख लेंगे 1। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। ठीक है तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। तो चलिए मूव करते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इलेवन क्वेश्चन भी भाई मेरा फेवरेट है बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर है जो आपका बड़े ही अनयूजुअल सा मेथड लगा है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर यदि आप प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका प्रश्न निकलेगा ही नहीं। इसमें देखिए 4 और 2 कितना होता है 6 तो मिडल में लिख दिया 6 और 3 कितना होता है 9 तो मिडल में लिख दिया 4 और 3 कितना होता है 7 मिडल में लिख दिया 5 और 3 कितना होता है 8 मिडल में लिख दिया। तो आपको ऑप्शन में से देखना है ऐसा कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड का एक्सट्रीम एंड और राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम एंड नंबर पर दोनों को जोड़ने पर वो नंबर बीच में लिखा होना चाहिए तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये टाइप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है आपका 12, 5, 7, 11, 19 बताइए इसको कैसे करेंगे 12 क्वेश्चन को।
चलिए देखिए भाई, 5, 7, 11, 19, 35, 67 और यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। इसको यदि मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, नंबर 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2 है। 7, 11 का डिफरेंस कितना है? 4 है। 19, 11 का डिफरेंस 8 है। इसका डिफरेंस 35 और 19 का 16 है। और 67 और इसका डिफरेंस कितना है? 32 है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पैटर्न के ऊपर, ये क्या है कि जो पहला डिफरेंस था, जो अगला डिफरेंस होगा उसका डबल होगा, यानी कि 2 का 4, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। अगला डिफरेंस क्या होगा फिर? 64, 64 उसमें प्लस कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप आपका 13। 13 कैसे होगा देखिए, 1 -1, 2, 7, 1, 23, 34, 47। ये सुनिए, 23 है, 34, 47। ध्यान से देखिए, देखिए यदि ये जो वाले नंबर है आपके, इनको यदि मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये किसी न किसी स्क्वायर के नंबर के नजदीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के नजदीक है। 34 6 का स्क्वायर 36 के नजदीक है। तो मेरे को एक चीज पता चली, क्या यदि मैं 2 जोड़ता हूं मैं सब में, तो ये क्या हो जाते हैं? स्क्वायर नंबर बन जाते हैं। यानी कि इन सब में से स्क्वायर में से दो दो क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। तो -1 कैसे आया होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? उसमें से -2 क्या होगा? तो -1 ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -2 क्या होगा? तो आपके पास 2 ही आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? उसमें से 2 माइनस क्या होगा? तो आपके पास 7 ही आएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन, अगला क्या है आपका? 4 का हम स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 14। तो आंसर इसका क्या हो गया? 14। अब 14 क्वेश्चन देखिए आपका, वो कैसे होगा? 14 क्वेश्चन 6, 10, 18, 34 कैसे होगा? देखिए ये कैसे होगा, 6 से 10। अब मैं आपको सीधा बता देता हूं इसका सोल्यूशन। 6 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 12। इसमें से यदि मैं 2 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा? 10। 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कितना आएगा? 20। 20 में 2 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा? 18। 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा? 36 में से 2 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा? 34। 34 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 68 में से 2 हो गया, आपका बचेगा 66। तो आपका जो 14 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? 66। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन बताइए आप, 4, 8, 12, 24, 36 इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये भी, इसमें भी आपका अल्टरनेट वाला मेथड यूज किया गया है, आपको बता देता हूं। 4, 8, 12, 24, 36। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 36। 4 तीय 12, 12 तीय 36, 8 तीय 24। तो 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? 72। ठीक है, तो चलिए ये 15 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 15 क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा 16 क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, 2, 7, 27, 107। तो चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। एक बार पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे के सारे जो है प्रश्न आप खुद सॉल्व करके देखिए, फिर बताइए इसका आंसर आपके क्या आएंगे जब हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आई होप आप सबने जो है आंसर निकाल लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर देखिए हम 16 क्वेश्चन का किसने कैसे कर रखा है, इसने क्या किया? दो में 5 जोड़ दिया उसने तो क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब 7 से 27 उसने कैसे बनाया देखिए एक बार, यहां पर 7 इस टाइप को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 5 और गुना
चार। इस टाइप को नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये आपका क्या आ गया, 27। अब 27 से 107 उसने कैसे बनाया, 27 हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब ये इसमें साथ में कितना ऐड किया था हमने, 20, ठीक है। इस 20 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 80। 80 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 107। अब यहां पे हम 107 लिखेंगे प्लस, यहां पे कितना ऐड किया है 27 में, 80, फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 107 प्लस 320, कितना आ जाएगा, 427। तो यहां पे आपका क्या आएगा, 427 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, 17 क्वेश्चन। कैसे होगा 17 क्वेश्चन, देखिए भाई जल्दी से बताइए 17 क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे होगा। उसने क्या कर रखा है, पहले इस पेयर में देखिए, इसको उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27, यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। यहां पर उसने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई। यहां पर उसने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखिए 27 से 31 कैसे बना, उसने 4 प्लस कर दिया। 155 से 66 कैसे बना, उसने 6 प्लस कर दिया। तो 1127 में हमें क्या प्लस करना होगा, 4 6, यहां पे क्या प्लस होगा, 8। तो यहां पे 1127 और 8 कितना हो जाएगा, 1135। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा टाइप। जल्दी नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है हमारा 255, 366, 479, 684। जल्दी बताइए 255 और 366 का डिफरेंस देखिए आप कितना है, एक एक एक, ठीक है। 479 और 366 का डिफरेंस देखिए आप कितना है, बड़ा ही अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई 479 और 366 का आप डिफरेंस देखिए कितना है, 113 है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब 684 और 479 का डिफरेंस बताइए कितना है, 205, ठीक है। हाँ 205, ठीक है। अब देखिए ये जो पहले आपका डिफरेंस वाला पेयर बना था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। अब यहां पे जो डिफरेंस वाला पेयर बनेगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का। तो यहां पे क्या आना चाहिए, 207, यानी कि जो आपका 684 है उसमें आप 207 जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये टाइप भी नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हमें टाइप यहाँ पे जितने हैं। नेक्स्ट है आपका 2, 15, 4, 47, 7, 118, 11। यहाँ पे बताइए क्या आएगा। जब भी इस टाइप की सीरीज दिखती है तो हमें ये तो पता ही चल ही जाता है कि ये जो आपकी सीरीज है अल्टरनेट टाइप की सीरीज है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया उसने, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। लेकिन यहां पे जब आते हैं तो हमें मिलता है 7, यानी कि उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 ऐड किया है, 2 और 2 4, फिर उसने यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे उसने 3 ऐड किया और यहाँ पे उसने 4 ऐड किया, 7 और 4 11, ठीक है। अब फिर 15 से 47 और 47 से 118 कैसे बना होगा, देखिए 15, 47, 118। यदि मैं 15 और 47 का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आता है, 32। 118 और 47 का मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना आता है, 71। इनका डिफरेंस कितना आता है, 71। 32 और 71 का डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 39, ठीक है। कितना आएगा, 39। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, इस टाइप को बड़ा ही पेचीदा टाइप है। 39 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 × 3। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, अब अगला जो आपका डिफरेंस होगा, मैं आप यहां पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। अगला जो आपका डिफरेंस होगा वो होगा 13 × 5, यानी कि कितने का, 65 का। यदि 65 का डिफरेंस होगा तो 71 प्लस 65 कितना होगा, 5 और 1 6, 136, कितना होगा, 136। तो 118 में 136 जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया,
ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए आप 118 और 136, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये तो हमने कर लिया, दो तीन, पहले दो जोड़ा उसने, फिर उसने दो जोड़ा, फिर उसने तीन जोड़ा और फिर उसने चार जोड़ा। लेकिन ये वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं कि बड़ा अनयूजुअल सा टाइप है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट टाइप आपसे कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जीरो, 11 में से 2 गया 9, इन दोनों का डिफरेंस 313, इसमें से आप माइनस करोगे 0131। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 1। तो ये भी आपका एक टाइप है जिसमें आपका डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, 310 310, अगला डिफरेंस 310 310, तो इसमें 310 आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए आप, 44 56 69 83, इसका आंसर क्या होगा। देखिए 40 में यदि मैं 12 जोड़ता हूं तो आपका क्या आएगा, 56। फिर मैं 56 में 13 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 69। 69 में यदि मैं 14 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 83। 83 में यदि मैं 15 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 98। 98 में मैं 16 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 114। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। देखिए आप ऐसे जज मत कीजिए इस वीडियो को कि इसमें आसान प्रश्न भी आ रहे हैं और मुश्किल प्रश्न भी आ रहे हैं। आप वीडियो की हेडिंग देखिए, नंबर सीरीज फ्रॉम 1999 से 2017, यानी कि मैं आपको 40 से 50 टाइप ऐसे करवा रहा हूं जो आपका निचोड़ है पूरे के पूरे प्रश्नों का। अब उसमें आपके कुछ आसान भी है और कुछ मुश्किल भी है, ठीक है। तो मेरा आपका काम है बताने का, एक बार आपको मिरर दिखाने का कि ये है वो प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपके SSC के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे मत जज कीजिए वीडियो को कि ये आसान है ये मुश्किल है, कहने का मतलब ये भी एक आपका टाइप है, इसको आप ऐसे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22। 22 कैसे होगा, देखिए 6 7 18 23 और 38, ये भी एक टाइप है इंपॉर्टेंट। देखिए 6 और 18 इनका डिफरेंस कितना है, 12। 18 और 38 इनका डिफरेंस कितना है, 20। यहां तक कोई दिक्कत, 20 और 12 का डिफरेंस कितना है, 8। 20 और 12 का डिफरेंस कितना है, 8। अब दूसरा अल्टरनेट पेयर क्या है हमारे पास, 7 और 23। 7 और 23 का डिफरेंस कितना है, 16। 7 और 23 का डिफरेंस कितना है, 16। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा आपका, यहाँ पे जो नंबर आने वाला है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा और जो सेकंड डिफरेंस आएगा उन दोनों के बीच में कितने का होना चाहिए, 8 का। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, 24। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, 24। ठीक है, तो 24 यदि आएगा तो 23 और 24 आपके कितने हो गए, 23 और 24 आपके कितने हो जाएंगे, 47। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस तभी 24 आएगा जब वो क्या होगा, 47। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या है, 47 आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, 23। 8 24 12 18 54, तो ये कैसे हुआ प्रश्न भाई, देखिए ये ऐसे हुआ है, इसको देखिए आप, ये एक पेयर देखिए आप, ये एक पेयर देखिए आप, ठीक है, ये किस कितना मल्टीप्लाई, कितने इसे 8 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 24 आ गया, 3 से 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक नंबर आ जाए, 3 से, क्योंकि 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा क्या है, 54। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा, 36। यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा, 36। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 24वां। 24वें प्रश्न को आप देखिए, इसको तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये सारे किसी नंबर के स्क्वायर कर रखे हैं, ठीक है, ये सारे किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है सारे के सारे,
बट इतना भी आसान नहीं है प्रश्न। देखिए 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 144 किसका है? 12 का। ठीक है, 279 किसका स्क्वायर है? 17 का। 324 किसका है? 18 का। 529 किसका है? 23 का। 576 किसका है? 24 का। तो यहां पे आपको नंबर बताना है क्या आएगा, कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा। देखिए इस पेयर को ध्यान से देखिए, पहला क्या है? 11, दूसरा क्या है? 12। जो दूसरा पेयर शुरू हो रहा है उसमें पहला नंबर क्या है? 17। यानी कि वो क्या है, जो पहला पेयर जहां आपका खत्म हुआ था उसमें 5 ऐड करने पर जो नंबर बनेगा, 12 और 5 17। यहाँ पे खत्म हुआ दूसरा पेयर, तीसरा पेयर शुरू हुआ यहां से, तो 18 और 5 कितने हुए? 23। तीसरा पेयर खत्म हुआ यहाँ पे और चौथा पेयर यह शुरू होगा यहां से, तो 24 और 5 कितना होगा? 29। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। तो 841 इस प्रश्न का आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है आपका 25वां प्रश्न, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 25th क्वेश्चन देखिए आप अपना, 98, 72, 32, 18, 8। यदि इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, ये क्या कर रही है? घट रही है। तो जब भी इस टाइप की सीरीज आती है तो हम उसको पीछे से करना शुरू करते हैं। आप देखिए 8 का 18 कैसे बना होगा, यदि मैं इसमें 10 प्लस कर देता हूं। देखिए ऑफ कोर्स ये प्लस या माइनस की सीरीज होगी, क्योंकि आपका नंबर बिल्कुल ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ रहा और आप एंड का नंबर भी आपका क्या है? 98 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 18 और 8 का डिफरेंस 10, और 18 और 32 का डिफरेंस कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखिए आप, इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है आपका 26। इनका डिफरेंस क्या है आपका? 26। अब यहां पे जो नंबर होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात होगी यहाँ पे भी जो नंबर आएगा उसको इसमें से माइनस करने पर जो डिफरेंस आएगा उनका भी डिफरेंस का नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से 14 और 10 का डिफरेंस कितना है? 4। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस कितना होगा? 18। ठीक है, 18 और 32 कितने हो गए? 50। ठीक है, 18 और 32 कितने हो गए? 50। और अब आप 72 और 50 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 22। 22 और 4 कितने हो गए? 26। यानी कि जो आपका डिफरेंस चल रहा है वो प्लस 4 का चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 7, 13, 21। देखिए ये क्वेश्चन आपका होगा 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2 है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2 है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 है। 7 और 13 का डिफरेंस कितना है? 6 है। 13 और 21 का डिफरेंस कितना है? 8 है। 21 और यहाँ पे जो नंबर होगा, अब डिफरेंस का पैटर्न देखिए, 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होगा? 10 होगा। यहाँ पे 10 और 21 क्या होना चाहिए नंबर आपका? 31। तो ये आपका 26वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? 31। और इसका आंसर क्या था हमारा? 50। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखिए 27, 15, 16, 20, 29, इसके अंदर क्या है? देखिए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 15, 16, 20, 29। ठीक है, 15 और 16 का डिफरेंस कितना है? 1। 16 और 20 का डिफरेंस कितना है? 4। 20 और 29 का डिफरेंस कितना है? 9। अब इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। जो अगला डिफरेंस होगा वो किसका होगा? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 का। तो 29 और 16 आप आपस में जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 2, 3, 6, 15, 42। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा? 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1 का। 6 और 3 का डिफरेंस कितना है? 3। 15 और 6 का डिफरेंस कितना है? 9।
42 और 15 का डिफरेंस कितना है? 27। 42 और 15 का डिफरेंस कितना है? 27। इसका मतलब क्या हुआ? पहले डिफरेंस एक था, फिर तीन हो गया, ट्रिपल हो गया, फिर ट्रिपल हो गया, फिर यहाँ पे ट्रिपल हो गया, अब यहाँ पे भी ट्रिपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81। 81 आप 42 में जोड़ दीजिए, 123 आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, ये भी एक सिंपल टाइप है। देखो, 1, 8, 27, 64, यदि हम इनको ध्यान से देखें, किसी न किसी नंबर के क्यूब है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा? 5 का। तो 29 का आंसर आपका क्या हो गया? 125। अब चलिए मूव करते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 वाला हमारा क्या कह रहा है? देखिए, यदि हम इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये भी ना किसी न किसी नंबर के क्या है? स्क्वेयर है। देखिए, एक किसका स्क्वेयर है? एक का। 121 किसका स्क्वेयर है? 11 का। ठीक है, और 441 21 का, और 961 31 का है, और 1681 हो गया आपका 41 का। अब आपको यहां बताना है क्या नंबर आएगा। यदि इनको पैटर्न को ध्यान से देखो आप, तो 1 और 10 कितना हो गया? 11। 11 और 10 कितना हो गया? 21। 21 और 10 कितना हो गया? 31 और 10 कितना हो गया? 41। तो यहाँ पे क्या आएगा? 41 और 10 51। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 51 का स्क्वेयर होगा। 51 का स्क्वेयर कैसे निकालेंगे? 1, 10, 0, 25, 26, 26 और 1। तो आपका जो आंसर हो गया 30 का वो क्या है? 2601। आई होप ये टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहना है? 81, 192, 375, और यहाँ पे आपको नंबर बताना है क्या आएगा। इसको ध्यान से लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके इस टाइप का नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 81, 192, 375, 1029। देखिए, 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वेयर माइनस 0, क्या आएगा? 81। 192 को मैं लिख सकता हूं 14 का स्क्वेयर माइनस, कितना होता है? 196 होता है, इसमें से मैं 4 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 192। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नहीं, इसको हम लिखेंगे, ये हो गया आपका 5 का, अब हो जाएगा 6, यानी कि 20। 20 का स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वेयर, क्या आ जाएगा आपका? 375। ठीक है, यहां देखिए आप, यहाँ पे किसका स्क्वेयर है? 9 का। यहाँ पे किसका है? 14 का। डिफरेंस कितना है? 5। अगला डिफरेंस कितना है 14 और 20 का? 6। ठीक है, अगला डिफरेंस कितना होगा? 7, यानी कि 27। 27 का स्क्वेयर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। माइनस हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो नंबर है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 और 4 का डिफरेंस कितना है? 4। फिर क्या हुआ? 5 का स्क्वेयर, ठीक है, ये है आपका, इसको आप करिए 2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 और 5 का? 3 का। अगला डिफरेंस कितने का होगा? 4 का। अगला डिफरेंस कितने का होगा? 4 का। तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 का स्क्वेयर। 27 का स्क्वेयर कितना होता है? 800, 729। इसमें से आप 81 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 648। यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 648। अब इसको मैच करके देखिए, क्या ये मैच करता है? डिफरेंस 5, 6, 7, ठीक है, अब आपका डिफरेंस होना चाहिए 8। ठीक है, 27 और 8 कितना हो गया? 35। 35 का स्केल कितना होगा? 1225। यहाँ पे हमने डिफरेंस था कितना? 2, 3, फिर आपका डिफरेंस हुआ 4, अब आपका डिफरेंस हो जाएगा 5। तो 9 और 5 14, 14 का स्क्वेयर आप कीजिए 196, माइनस करके देखिए
15 में से 6 गया आपका 9 आ गया, 11 में से 9 गया आपका 2 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, एक एक में से गई 0, 1029। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है 31, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप देखिए, फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, आपको लगता होगा फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ जोड़ रखा होगा, लेकिन नहीं, ये डिफरेंस, ये जो टाइप है बिल्कुल सिंपल है। जो आपका न्यूमरेटर है उसको देखिए, 2, 4, 7, 11, पहले यानी कि 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो 11 में 5 ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, 16। और नीचे देखिए आप, पहले क्या ऐड किया, 4, फिर 5, नहीं पहले ऐड किया आपका 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है, आप क्या ऐड करेंगे, 10, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31, 16 बटे 31 आपका क्या गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6, 29, 121, 1961, 6, 29, 121, यहाँ पे आपको बताना है 1961। ठीक है, ये प्रश्न आपका कैसे होगा बताइए। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुणा 4 कितना होगा, 24। इसमें मैं ऐड कर देता हूं 5, तो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 29। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके यदि हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा 121 आना चाहिए, तभी हमारा मेथड एलिजिबल होगा। तो इसको हम ऐड करते हैं 5, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 116 प्लस 5 121, यानी कि हमारा मेथड सही है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 121 × 4 + 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4, 8, 4 + 5, यानी कि 489, 489, 489। तो यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करता हूँ, क्या मेरा 1961 आएगा, देख लीजिए आप, 4 × 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 × 8 = 32, 3 = 35, 4 × 16 = 19 + 5 = 1956, और 5 आपका क्या होगा, 1961। तो ये हमारा मेथड जो है एलिजिबल। नेक्स्ट है आपका 5, 11, 17, 32, 25, 33 और 43। 5, 11, 17, 17, 25, 33, 43। तो देखिए 5 और 11 का डिफरेंस कितना है, 6, 11 और 17 का डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, अब देखिए 17 और 25 का डिफरेंस कितना है, 8, 25 और 33 का डिफरेंस कितना है, 8। पहले पेयर में 6 का डिफरेंस, दूसरे पेयर में 8 का डिफरेंस, तीसरे पेयर में देखते हैं 33 और 43 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए आप बताइए, डिफरेंस पेयर देखिए, पेयर में होना चाहिए, एक पेयर आ गया 10 का, एक और चाहिए हमें, एक नंबर आ गया 10, पेयर बनाना है 10 10 का, तो हमें 10 चाहिए, 43 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 53। तो आपका जो 34 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, 53। तो आई होप आपको सारे के सारे टाइप जो है समझ आ गए होंगे, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और यदि आपको लगता है किसी प्रश्न में कोई सजेशन है, कोई मिस्टेक हुई है, कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए नई नई वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो शुक्रिया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।